एक गड़गड़ाई के साथ ही मरी में सयाहों का रश भी दिखाई दे रहा है और लोग कुदरती नजारों से लुत्फंदोज होने के लिए बड़ी तादाद में मलका कोहसार का रुख कर रहे हैं। तफसीलात इम्तियाजुल हक की जबानी। जी इम्तियाज, आज इतवार है और मलका कोहसार की रौनकें अपने अरूज पर हैं। पूरे मुल्क से सयाहों की बड़ी तादाद मरी पहुंच रही है और वो इतवार की तहतील को यहाँ मनाकर इंतहाई खुशी महसूस कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मरी के मुख्तलिफ तफरी मुकाम जिनमें पत्याटा, अयूबिया, लतिया गली और दीगर मुकाम शामिल हैं, वहाँ आवाम की बड़ी तादाद है जो तफरी कर रही है। इस वक्त हमारे साथ कुछ सयाह मौजूद हैं, हम उनसे मालूम करते हैं तो वो यहाँ कैसा महसूस कर रहे हैं। जी जी, हम लोग रजवी खान से आए हैं। वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी थी, गर्मी की वजह से जो लोग तफरी हो जाएगी, ठंडक भी आ गई, रमजान बहुत अच्छा मौसम यहाँ पे। दो दिन से आए हैं, हफ्ता रहेंगे, बहुत अच्छा मौसम है वैसे ना, बहुत फर्क पड़ा है। ये है बस वो तफरी है, अच्छा है, अल्लाह ताला की नेमत है। जी हम भी रजवी खान से आए, बहुत इंजॉय किया है, अच्छा लगा, बहुत ज्यादा मौसम बहुत ठंडा है, जैसे बारिश भी हो रही है, इंशाल्लाह दो चार दिन और रहेंगे। हम यहाँ पे एंजॉय करना है, वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, यहाँ पे बहुत सर्दी है, यहाँ पे एंजॉय करने के लिए अच्छा जगह है। ये देखिए हमारे साथ इस वक्त रहीम यार खान की ये फैमिली थी, ये एक फैमिली के लोग आए हुए हैं जो मरी की तफरी से महजूज हो रहे हैं और सूरत हाल ये है कि यहाँ मानसून की बारिशों का सिलसिला भी शुरू हो गया है जिसकी वजह से मौसम इंतहाई खुशगवार है और आवाम भी बड़ी तादाद मरी का रुख किए हुए है, सयाह बड़ी तादाद में यहाँ आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, मरी में सयाहों के